आप सोचते होंगे कि आखिर नई सृष्टि क्या है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी के बनाए शरीर रूपी पुतले में अपनी आत्मा को जीवन की श्वास फूंक कर एक मानव आत्मा की रचना की और मनुष्य एक जीवित आत्मिक प्राणी बना। इस प्रकार मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह एक शरीर में रहता है। इसी पहले आदम में सारी मानवता की रचना हुई। संयोग या दुर्भाग्यवश बाप ने आदम की आत्मा में प्रवेश पाकर उसे मृत्यु और शैतान के वश में कर दिया। पाप में पड़े आदम जाति को पाप, श्राप, मृत्यु और शैतान के चुंगल से मुक्ति दिलाने के लिए सृष्टिकर्ता स्वयं दूसरा या अंतिम आदम को मनुष्य का देह धारण ले ईशु के नाम में मनुष्य बन गया। इस प्रकार मानव की आत्मा को पाप के बंधन से छुड़ाने और उसे नया बनाने के लिए ईशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। ईशु मरे हुए से मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठा कि हर विश्वास करने वालों को नया जीवन दे सके। आज जो मनुष्य इस क्रूस की घटना पर विश्वास करता है, वह सृष्टिकर्ता की आत्मा से एक नया जन्म पा लेता है। इस नए जन्म पाए मनुष्य की आत्मा एक नई सृष्टि बन जाती है। नई सृष्टि चैनल का यह कार्यक्रम सभी जाति और धर्म से यीशु मसीह में नई सृष्टि बनने के तरीके और नई सृष्टि बने लोगों के लिए शिक्षा का एक संग्रह है। फिर से नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और आजकल हम लोग वचन के अनुसार प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धता के विषय में दसवां अंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और वो भी न्यू कवेनेंट यानी कि नई वाचा के अंतर्गत, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह मंडली का यानी कि चर्च का हेड होते हुए वो आज स्वर्ग में एक महायाजकीय सेवा को कर रहा है। कल के भाग में हम लोग ने यह भी देखा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी में जब एक बॉडी को, एक चर्च को जो मसीह की देह का एक अंग है, उसकी शुरुआत जब उसने पत्रस के प्रकाशन पे किया, जो प्रकाशन आज भी हर एक मनुष्यों के लिए लागू है, जिसके द्वारा कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों के खातिर क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन मुर्दों में से जी उठा। और इस सच्चाई पर विश्वास करते हुए जब एक मनुष्य अपने मुंह से इस सच्चाई की घोषणा करता है, तो परमेश्वर उसे एक नई सृष्टि बनाता है। नई सृष्टि बना करके वो अपनी संतान बनाता है, और उस स्वर्गीय सिंहासन में, जिस सिंहासन पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हर एक विश्वासी को वो एक याजकीय सेवा भी देता है। तो आज का जो हमारा ये विषय होगा कि क्या हम जो आज एक नई वाचा में पाए जाते हैं, जिस वाचा को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सील किया, तो क्या आज मंडली में विश्वासियों को अपनी कमाई का दसवां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इसी मंडली में दसवां अंश दिए जाने के विषय में हम लोग इब्रानियों की पुस्तक से अध्ययन करके इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नई वाचा में एक नई जिम्मेदारी दी है, और वो जिम्मेदारी एक महायाजकीय सेवा की है। लेकिन इस पृथ्वी पर जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह है, जो हम विश्वासियों के विश्वास के द्वारा मिलके बनी है, तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को एक नया अभिषेक दिया है।
और वो अभिषेक हम लोग ने देखा था कि याजकीय अभिषेक है। हम एक याजकीय समाज बनाए जाते हैं, हर एक विश्वासी एक याजक है। इस विषय का कुछ अध्ययन हम लोग ने प्रेजेंट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट में देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और इस पृथ्वी पर जो उसने हम सबों को एक याजकीय सेवा दी है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे की जाती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि क्या मंडली में दसवां अंश देने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या वो पुरानी वाचा के साथ ख़त्म हो गई या वो आज भी नई वाचा में कलीसिया के अंदर लागू है। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक बहुत ही सुंदर है, जो बहुत ही संक्षिप्त में पुराने नियम में मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से कंक्लूड करता है। पिछले भागों में हम लोग ने यह भी देखा कि इससे पहले कि मूसा की व्यवस्था आई, हम अब्राहम के जीवन और उसके विश्वास को देखते हैं, और इसी बात की चर्चा इब्रानियों के 7वें अध्याय में भी की गई है, जहां ऐसा लिखा है, यह मलकी सदीक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इस अब्राहम और मलकी सदीक के विषय में हम लोग ने पिछले भागों में काफ़ी अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा लेखक के द्वारा ये बताना चाहता है कि इस नई वाचा के अंदर प्रभु यीशु मसीह मलकी सदीक की रीति से महायाजक के पद को पाता है। वो महायाजक जो अनंत काल का या शांति का या शालोम का राजा करके दिखाया गया है। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि मलकी सदीक जिसको अब्राहम ने अपना दसवां अंश दिया, उसी मलकी सदीक की रीति पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आज महायाजकीय सेवा को कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मलकी सदीक ने अब्राहम को आशीष दी, उसका दसवां अंश लिया, आज ठीक वही काम प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के द्वारा उन सारे दसवां अंश को वो ग्रहण करते हैं। लेकिन आज सवाल ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक हैं वो किससे दसवां अंश को ग्रहण करेंगे। समझने की ये बात है कि आज विश्वासियों को परमेश्वर ने एक स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया है, उस स्वर्गीय बुलाहट में जिसमें यीशु मसीह स्वयं महायाजक है और उसने उस स्वर्ग की सेवा को करने के लिए पृथ्वी पर विश्वासियों को याजकीय सेवा दी। क्योंकि जिस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास करके धार्मिकता को पाया, ठीक उसी प्रकार से कोई भी इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की घटना पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर अपनी धार्मिकता को देता है और वो इंसान विश्वास करने के द्वारा धर्मी बन जाता है। और ये धार्मिकता जो है वो यीशु मसीह की है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो इंसान को उसके पापों की दशा से छुड़ा करके परमेश्वर की धार्मिकता को देने के लिए आया था। इसीलिए आज भी हम इब्राहिम की तरह विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनाए जाते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से एक नया जन्म पा लेता है, और इस जन्म में मनुष्य जो है वो अधर्मी नहीं पैदा होता है, लेकिन इस जन्म में वो धर्मी पैदा हो जाता है, यानी कि परमेश्वर उसे अपनी धार्मिकता में नया बनाता है। इसीलिए गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 29 पद में लिखा है कि जो मसीह में हैं वो अब्राहम के वंश हैं। अब समझना यह है कि एक तरफ तो जो दसवां अंश को लेने वाला है वो तो मलकी सदीक की रीति पर यीशु मसीह है, लेकिन आज मंडली में जो विश्वासी पाए जाते हैं उसे हम लोग इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय के 9 पद में अगर देखें, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है इब्राहिम के द्वारा दसवां अंश दिया। लेवी गोत्र से ही याजक और महायाजक बनाए जाते थे, लेकिन ये सारे गोत्र आए कहाँ से? ये सारे गोत्र जो हैं वो अब्राहम के ही वंश से आए, और इस प्रकार से जब अब्राहम ने अपने दसवां अंश को दिया तो
तो ये सारे जो गोत्र के लोग हैं वो अब्राहम में ही पाए जाते थे। इसके दसवें पद में अगर हम लोग जाके देखें जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जिस समय मलकीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय ये अपने पिता की देह में था, यानी कि जो लेवीय गोत्र से याजक बनाए गए थे जिनके लिए सारे यहूदी लेविटिकल टाइथ को देते थे, उन्होंने भी जब वो अब्राहम की बॉडी में थे या उनके बीच में थे तब उन्होंने भी अब्राहम के द्वारा मलकीसेदेक को अपना दसवां अंश दिया। तो अब सवाल ये होता है कि आज की इस मंडली में दसवां अंश किसको दिया जाए और कौन दे, और इस बात को हम लोग सातवें अध्याय के आठ पद में देखेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, और यहां तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो पुरानी व्यवस्था में जहां पे हम लोग ने तीन प्रकार के दसवां अंश की बात की थी, वहां पे जो पहला लेविटिकल दसवां अंश था या याजकीय दसवां अंश था उसे तो मरणहार मनुष्य यानी कि जो लेवीय ग्रुप से याजक और महायाजक बनते थे उन्हें दिया जाता था, लेकिन आज के समय में जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह जो कि एक जीवित बॉडी है, यीशु मसीह की देह है जो हर एक विश्वासियों की जीवित आत्मा के मिलने के द्वारा बनी है, तो उस मंडली के द्वारा भी आज जो इस मंडली का महायाजक है उस दसवां अंश को वो ग्रहण करता है, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है, फर्दर मोर हियर इन द लेविटिकल प्रीस्टहुड टाइथ आर रिसीव्ड बाय मैन हु आर सब्जेक्ट टू डेथ वाइल देयर इन केस ऑफ मेलकीसेदेक दे आर रिसीव्ड बाय वन हुम इट इज टेस्टिफाइड दैट ही लिव्स। तो आज प्रभु यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर अनंत काल के लिए मुर्दों में से जी उठ करके वो जीवित है, और उसने हमें भी उस पाप के बंधन या उस मृत्यु से पार करा करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश करा दिया, और इसलिए वो आज भी मंडली के द्वारा उस दसवां अंश को ग्रहण करता है और उसे परमेश्वर पिता के सम्मुख हमारे और आपके लिए मंडली के लिए वैसा ही समर्पित करता है जैसा कि पुरानी व्यवस्था में याजक और महायाजक उस पवित्र स्थान पर यहूदियों के द्वारा लाए गए भेंट दसवां अंश को लेके जाते थे। तो अब सवाल ये होता है कि ये आखिर दसवां अंश इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर की एक योजना है जिसे अब्राहम ने पहचाना, और अब्राहम को भी परमेश्वर ने किसी न किसी ढंग से रिवील किया होगा, उसे बताया होगा, क्योंकि जब अब्राहम मलकीसेदेक से मिलता है तो वो अपने सारे दसवांश को देता है और मलकीसेदेक उसे आशीष देता है। तो ये एक प्रकार से एक आत्मिक सिद्धांत है, एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये व्यवस्था नहीं है जो कर्मों के आधार पर है, परंतु ये विश्वास की एक व्यवस्था है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अब्राहम के वंश के हो गए हैं, उस नियम के वाचा बद्धता में आ गए हैं। तो आगे हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आज विश्वासियों को जो एक याजकीय सेवा को पाए हैं उन्हें अपने दसवां अंश को कैसे और कहाँ देना चाहिए, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है जो मलकीसेदेक के रीति में हमारे दसवां अंश को ग्रहण करता है। आत्मिक जीवन की सच्चाइयाँ कठिन तो हैं लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और वो पवित्र आत्मा हमारी हर एक बातों को समझने में और करने में हमारी सहायता कर सकता है। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वह आपसे प्रेम करता है और वह आपको हर एक प्रकार के आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक बंधनों से छुड़ाना चाहता है। हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने तमाम दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज किसी भी प्रकार से अपने शरीरों में बीमार और रोगी हैं, अंधकार की शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं, आर्थिक रूप से टूटे हैं, परिवारों में अशांति है,
हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपकी आत्मा के अभिषेक को इन दर्शकों के जीवन में रिलीज करते हैं। तेरे अभिषेक के द्वारा इनके जीवन का हर एक जुआ तोड़ा जाए, ये शरीरों में भले चंगे रहें और अपने जीवन में उन्नति करते जाएं, हर एक क्षेत्रों में ये आशीषित हों, क्योंकि आपने इन्हें आशीष देने के लिए बुलाया है। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दें।